ये दास्तां है एक बड़ी ही जबरदस्त अभिनेत्री की, जिसने बहुत कम वक्त में वो मकाम हासिल कर लिया जो कोई और नहीं पा सका। नाम असिन थोटमकल, जिन्हें प्यार से सिर्फ असिन कह के ही पुकारा जाता है। अरे बटले, यहाँ वहाँ क्या झांक रहा है? बटले, मेरा नाम पता नहीं है। छोटा है इसीलिए कहा। देख भाई, सिटी में वॉटर हीटर मोटर ये सब मामूली है। असिन का जन्म हुआ था केरला के कोची इलाके में एक साइरो मालाबार कैथोलिक फैमिली में। इनके पिता जोसेफ थोटमकल एक CBI ऑफिसर रह चुके हैं। इनकी माँ का नाम है सेलेने थोटमकल। हालांकि रीत रिवाज के अनुसार असिन का नाम मैरी रखा जाने वाला था, लेकिन असिन के पिता ने कहा इसका नाम असिन रखेंगे, जिसका मतलब है पवित्र। नया गांव, नई नौकरी, अच्छा है। तो तुम यहाँ काम करने आए हो? यहाँ आकर मुझसे बिना मिले जाते हो? बात मत करो, वापस तुम हैदराबाद आए तो मुझसे जरूर मिलोगे, प्रॉमिस करो। असिन की पढ़ाई लिखाई हुई नेवल पब्लिक स्कूल में, और उसके बाद ये सेंट थेरेसा स्कूल कोची में पढ़ने चली गईं। सेंट थेरेसा कॉलेज से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की और साथ ही साथ ये भरतनाट्यम सीखती रहीं। ये इकलौती मलयाली अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री पद्मनी के अलावा, जिन्होंने सिर्फ अपनी ही आवाज में सारी फिल्में डब की हैं, भले ही कोई भी भाषा रही हो। इन्हें क्वीन ऑफ कॉलीवुड के नाम से भी पुकारा गया। इन्होंने शुरुआत की थी एक एड फिल्म के साथ, फिर ये नजर आई एक मलयालम फिल्म में, नरेंद्रन माकन जयकांतन वाका। इनकी उम्र उस वक्त मात्र 15 बरस की थी। इन्होंने एक फिल्म में काम किया था, नाम अम्मा नानो तमिलामाई, जिसमें इनके हीरो थे रवि तेजा। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस कॉलोनी में 10 साल से गंदा धंधा चल रहा है, हर रोज पुलिस आती है, किस लिए पता है? ये धंधा बंद कराने के लिए नहीं, वहाँ से कमीशन लेने के लिए और घूस खाने के लिए। आप उस हत्यारे को ढूंढ रहे हैं ना? वो एक ही दिन आया था, उसके बाद आज तक वो दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। आज उसी की वजह से हम यहाँ पर सेफ हैं। हालांकि इनकी पहली तमिल भाषी फिल्म थी एम कुमारन सन ऑफ महालक्ष्मी, जहाँ पे इनके हीरो थे जयम रवि। इन्होंने गजनी, शिवकासी, वरलारू, पोकेरी इन सब फिल्मों में काम किया, पर गजनी ने कमाल कर दिया था। इसमें इनके हीरो थे सूर्या। फिल्म डायरेक्ट करी थी AR मुर्गदॉस ने। इस फिल्म के लिए इन्हें तमिल फिल्म फेयर अवार्ड पर बेस्ट एक्ट्रेस से नवाजा गया। लक्ष्मी भाभी, हैदराबाद में आपको आपके गांव की आर्ट सुनाई दी या नहीं? मतलब? अरे ऐसे नहीं भाभी, तुम्हारे गांव से तुम्हारे भाई का फोन आया या नहीं, ये सब किस्मत की बात है भाभी, किस्मत की। आप तो उसकी बहन है, वो आपको ही फोन करेगा। मुझे क्यों फोन करेगा? मैं थोड़ी ना तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ, मेरा सेल नंबर होते हुए भी उसने मुझे फोन नहीं किया। ये कमल हासन के साथ भी काम करती नजर आई थी KS रवि कुमार की फिल्म दश अवतारम में। फिर इन्हें हिंदी फिल्मों से भी ऑफर आने लगे और गजनी फिल्म में नजर आई आमिर खान के साथ, जो कि दक्षिण भारतीय फिल्म की ही रीमेक थी। फिर तो सलमान खान और अजय देवगन की लंदन ड्रीम्स में भी ये नजर आई, लेकिन सन 2011 की फिल्म रेडी ने कमाल कर दिया। इसमें इनके हीरो थे सलमान खान और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया। रात में तुम कहाँ सोगी? कहाँ सोऊंगी? अपने कमरे में। किसके साथ सोगी? अकेली सोगी तो काम आराम से हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? गलती क्या है? तुम अकेली सो जाओगी तो अकेली सोगी तो आराम होगा। फिर वही बात कह रहे हो? ऐसी कौन सी गलत बात कहती मैंने? अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी फिल्म हाउसफुल 2 में, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के साथ बोल बच्चन में, और अक्षय कुमार के साथ एक बार फिर खिलाड़ी 786 में। असिन उन अभिनेत्रियों में से हैं जो बहुभाषीय फिल्मों में काम करती रहीं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच और यहाँ तक कि थोड़ी बहुत इटालियन भी बोलती हैं ये। तुम इतनी जल्दी मान जाओगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारा गुस्सा ठंडा होने के लिए मैं राघवेंद्र स्वामी के मंदिर जाकर आई हूँ। ये तुम्हारे गुस्से को कम करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी याद समझ कर इसे बांध लो। फिर अचानक 2013 से लेकर 2014 तक ये किसी फिल्म में नजर नहीं आई, और इसी बीच खबर आई कि अब असिन शादी करने वाली हैं। सन 2016 में इन्होंने राहुल शर्मा से शादी कर ली। राहुल शर्मा एक जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं, और शादी के बाद इन्होंने फिल्मों को टाटा बाय बाय बोल दिया। असिन उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने भरतनाट्यम सीखा, अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया और बहुत कम उम्र में एक ऐसा मकाम हासिल किया जो बहुत सारे हीरोइंस का सिर्फ सपना मात्र बन के रह जाता है।
महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।